जो हमारा जो सच में एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए वो उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस सेशन को आगे चलाने के लिए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे भाई ब्रह्म प्रकाश जी 2 मिनट के लिए आके वो भी अपनी बात जो इस फोरम के जरिए कहना चाहते हैं, लेकिन समय का कृपया ध्यान रखें क्योंकि हमारे जो स्पीकर हैं सेशन में बहुत हैं, नहीं तो फिर मुझे चाय आपकी मिस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना सभी जो हमारे स्पीकर्स हैं माननीय हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि कृपा करके, और मैं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर जगन्नाथ जी, हमारे दलित समाज के जो साइंटिस्ट मंगल ग्रह में जाने के लिए जो कमेटी है सबसे सीनियर साइंटिस्ट हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कृपा के आपका बोलना भी आपने प्रेजेंटेशन भी देना बैठी इधर ही मुझे पता है, कोई बात नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रह्म प्रकाश जी 2 मिनट के लिए अपना संदेश अपने भाई बहनों को जो देना चाहते हैं वो देंगे ब्रह्म प्रकाश जी। केपी चौधरी जी को कल समय मिल चुका है उसलिए आज माफी मांगूंगा, बाकी सब लोगों को एडजस्ट करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अटवाल साहब। ऑनरेबल डेक्स, पूर्व स्पीकर हमारे आदरणीय चरणजीत सिंह अटवाल साहब, चीफ जस्टिस रिटायर्ड केजी बालाकृष्णन जी, चंदेलिया जी, मैडम मंत्री महोदया कृष्णा जी, आर एन चंदेलिया जी, जय भगवान जाटव जी, और मेरे सामने बैठे हुए हमारे इंटेलेक्चुअल इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आए हुए सभी नौजवान साथी और बहनों, मैं सबसे पहले इस नेशनल फोरम के जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, क्योंकि मैं भी इसका एक हिस्सा बन गया हूँ इस प्रोग्राम में, और इसके पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं इस प्रोग्राम के जितने हमारे ऑर्गेनाइजर हैं मैं उनका भी धन्यवाद प्रकट करूंगा कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया है। ये प्रोग्राम हमारी नॉलेज में पहली बार दिल्ली के अंदर इस टाइप से पहली बार हुआ है जो विज्ञान भवन में हो रहा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी कल यहाँ आकर भी कहकर गए थे कि 4 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये बहुत 70 साल के बाद आज जो ये प्रयास किया गया है वो प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इंडस्ट्रीज के बारे में और बाकी बिजनेस के बारे में यहाँ पर हमारे बहुत ही सुलझे हुए एक्सपीरियंस होल्डर्स ने यहाँ पर आप लोगों को बताया है, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ क्योंकि मैं इंडस्ट्री से संबंधित नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यूएसए बेस में यूएसए के अंदर जब उसके एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में लाया जा रहा है और बाकी टेक्निकल चीजों को इंडिया में डेवलप किया जा रहा है, तो यूएसए में शेयर मार्केट का जब भी कोई कंपनी का शेयर मार्केट में निकलता है तो 30% शेयर वहां के ब्लैकीज को दिया जाता है। और आज भी कोई भी पिक्चर हॉलीवुड की जब आती है तो उसमें 1-2 हीरो ब्लैक हीरो लिए जाते हैं, उसके बिगर उनकी पिक्चर रिलीज नहीं हो सकती। क्या वो सिस्टम जब वहां हो सकता है तो उस सिस्टम को एडॉप्ट करके इंडिया में यहां जो सीपीडब्ल्यूडी है भारत सरकार से बढ़कर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, उससे ज्यादा कोई बड़ा कोई सड़क निर्माण नहीं करता, पुल निर्माण नहीं करता, क्योंकि भारत सरकार सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, लोगों को कॉन्ट्रैक्टर को देती है। हमारी इस मंच के माध्यम से
भारत सरकार से हमारा ये इसमें जोड़िएगा कि जो भारत सरकार में कई कई लाख करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, नेशनल हाईवे में हमारे अपने लोगों का उसमें 1% भी हिस्सा नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो सीमेंट है, कंक्रीट है, आयरन है, उसको बनाने के लिए जो सामान खरीदा जाता है उसमें हमारे आदमी को जो सुडुल का है, सुडुल टाइप्स है, उनके लिए 1% हिस्सा उसका होना चाहिए कि जितना सामान अगर 10 करोड़ का वहाँ पर बालू लग रहा है तो उसका 25% शेयर दलित के शॉप से खरीदा जाना चाहिए। आयरन, सीमेंट, कंक्रीट, बदरपुर, ये सामान उनके माध्यम से खरीदा जाना चाहिए और उनको बिजनेस करने के लिए जो अभी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर थावरचंद गहलोत जी स्कीम बताकर गए थे दलितों के लिए बिजनेस करने के लिए, वो सरकार के माध्यम से उनके लिए जाना चाहिए। सुडुल कास्ट स्पेशल कंपोनेंट प्लांट एंड ट्राइबल कंपोनेंट प्लान पर कल से यहाँ चर्चा चल रही है। हमारी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि SCP एंड TSP पर एक एक्ट बनना चाहिए, क्योंकि वो एक्ट बने बिगर जितना भी 70 साल से देश आजाद होने के बाद दलितों को फंड जो रिलीज होता है दलितों के डेवलपमेंट के लिए, उस पैसे को मिसयूज किया जाता है बिल्डिंग निर्माण में, सड़क निर्माण में, और ये कह दिया जाता है कि इस सड़क से, इस पुल से दलित भी गुजरेगा, गरीब भी गुजरेगा और आम आदमी भी गुजरेगा, तो उसमें दलित का कहाँ विकास हुआ है? एक्चुअल में जो विकास होना चाहिए 70 साल बाद आज भी, वो सही मायने में, चूंकि 90% दलित, सर 90% दलित आज भी रोजगार के ऊपर डिपेंड है, और केवल 8% जो दलित है वो अभी तक सुडुल कास्ट सुडुल टाइप्स में DOPT पर, आज तक का ये आंकड़ा है कि 8% ही लोगों को नौकरी सुडुल कास्ट में मिली है। अब पूरे देश की जनसंख्या को अगर देखा जाए तो केवल मात्र 125 करोड़ लोगों में से 2% लोग गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसमें से दलित का हिस्सा कहाँ है? जो हमारे आज तक जितनी भी फेलियरटी हुई है रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए या बाकी चीजों को डिटेरियट करने के लिए, प्रमोशन में आरक्षण के लिए, या DOPT के 2 जुलाई 1997 के ऑर्डर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है मैटर, वो किसी ना किसी तरीके से जो नौकरियों के माध्यम से, हमारे पूर्वजों के माध्यम से जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वो पहुंचने के रास्ते को खत्म किया जा रहा है। जब खत्म किया जा रहा है तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्रैवल कंपोनेंट प्लान के ऊपर एक्ट बनाया जाना चाहिए और उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी तब उनको सजा मिलेगी और उस पैसे का मिसयूज नहीं होगा, ये बात यहां से फाइनल होनी चाहिए। मुझे मेरे भ्राता जी कह रहे हैं कि वाइंड अप करना है। बाबा साहब के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब की वजह से 26 नवंबर को हम लोग आज मना रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास होकर जाना चाहिए सरकार के पास कि आज तक हम हिंदी के महादेवी वर्मा से लेकर के विनोबा भावे तक मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को स्टोरी में हम लोग पढ़ते आए हैं, न जाने किन किन को पढ़ते आए हैं, लेकिन आज तक बाबा साहब को, कल महामहिम जी भी ये कह रहे थे कि केवल दलितों के ही नाम से बाबा साहब को जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे अठवाल साहब भी कल इन्होंने कहा कि दलितों के बारे में ही सोचा जा रहा है, क्यों नहीं बाबा साहब को NCERT की पहली क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जीवन संघर्ष को जोड़ा जाए? जब 125 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो बाबा साहब का जीवन संघर्ष भी, बाबा साहब का देश के योगदान के लिए क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, बाबा साहब ने महिला आरक्षण बिल पर अपना योगदान दिया, इस्तीफा दिया, बाबा साहब ने लेबर रिफॉर्म के लिए 14 घंटे से 8 घंटे की ड्यूटी पर उन्होंने बहस की, बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार के लिए बात की, बाबा साहब ने हीरा कुंड बांध,
से लेकर के पावर ग्रिड तक लेकर के सारी चीजों को इंडिया में डेवलप करने के लिए उन्होंने पूरा कार्यक्रम किया, लेकिन आज तक भी आज हमारे गैर दलित लोग हमें ये समझते हैं, बाबा साहब को ये समझते हैं कि केवल बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए किया। उसका रीजन ये है कि एनसीईआरटी की जितनी किताबें हैं उसमें बाबा साहब के जीवन संघर्ष और जीवन योगदान का, बाबा साहब के देश में योगदान का कोई पाठ नहीं लिखा गया, ताकि अगर जिस दिन ये बाबा साहब के योगदान का पाठ एनसीईआरटी में जुड़ जाएगा उस दिन इस देश में जातिवाद की खाई को बच्चों में खत्म कर दिया जाएगा। आज तक हम बाबा साहब की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं कर पाए हैं, या 70 साल बाद भी देश आजाद होने के बाद में। अब मैं अपनी बात को वाइंड अप कर रहा हूं। एक लास्ट में बात कहूंगा और अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बहुत सारा कुछ कहना था मुझे, लेकिन मुझे समय कम दिया गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी इस पाठ का हिस्सा हूं और लोग बोलेंगे अच्छा लगेगा, मैं कम बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी कमजोरियां हैं ये सब लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। दिल्ली के अंदर पूरे देश में पूरा दलित आज यहां पर बिजनेस और रिजर्वेशन से पीड़ित है, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि 80% जो झाड़ू मारता है, जो चौकीदारी करता है, जो सफाई करता है, जो लोगों की गंदगी उठाता है, उसको सबसे कम वेतन मिलता है। सीवर में 300 रुपए पे आदमी दिल्ली के अंदर मर जाता है, लेकिन दिल्ली में बैठ करके दलितों के एक भी नेता उसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट तक नहीं देते हैं। यही कारण है कि जो पीड़ित है 70% जाति जो क्लास फोर का काम करती है वो बड़े आंदोलन में उनको सहयोग नहीं कर पाती है। जब तक हमारे बड़े लीडर इनकी बात को नहीं रखेंगे तब तक हम किसी भी आंदोलन में, दलित आंदोलन को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जब तक हम सारे लोग जो हम बड़े लोग हैं, हमारे जो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग जो बैठे हैं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम IAS और IPS कैडर की बात कर रहे हैं, IITM की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों की हम जो बात कर रहे हैं, इनमें हमें सबसे ज्यादा सहयोग करने वाले अपने उस जाति को लेना पड़ेगा जिसमें बाबा साहब ने क्राइटेरिया रखा था कि जो अनटचेबल हो, जो बिल्कुल समाज में अछूत माना जाए, जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल पुअर हो, जिसकी एजुकेशन पुअर हो, उसकी लड़ाई जब तक ये पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल नहीं लड़ेगा, दलित नेता नहीं लड़ेगा, MP MLA नहीं लड़ेंगे, अपने सदन में आवाज नहीं उठाएंगे, ये आंदोलन हमेशा अधूरा रहेगा। आपको सहयोग करना पड़ेगा, मैं इसी सहयोग के लिए आपसे उम्मीद करता हूं। और मैं एक बार कहूंगा कि कल से एक बार भी किसी ने यहां पर जिस बाबा साहब के नाम से विश्वविख्यात को हमने यहाँ पर मान कर गए प्रोग्राम रखा है, उसकी एक बार भी जय भीम का नारा इस हॉल में नहीं गूंजा है। मेरे साथ बोलेंगे सब लोग एक बार, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद साथियों।